राम राम सारे भाइयों ने। दोस्तों आप सबको पता है संडे के दिन आपके लिए मैं बनाता हूँ संडे कमेंट बॉक्स वीडियो, और आज संडे है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ये है ड्रीम इलेवन, यहाँ पर हम अपनी टीम बनाते हैं अपनी नॉलेज से, स्किल से। तो चलिए दोस्तों आज का कमेंट ले लिया जाए। इनका नाम है धीरज, इन्होंने कमेंट किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझाते हैं, बस लक साथ दे, कभी भी हम जीएल जीत सकते हैं। धीरज भाई हम ज़रूर जीएल जीतेंगे, बड़ी वाली जीएल जीतेंगे। देखो धीरज भाई ये ड्रीम इलेवन है, यहाँ पर रिस्क लिए बिना हम कभी भी नहीं जीत सकते। दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, 50 मेंबर मिनी जीएल, 1000 मेंबर, 5000 मेंबर, यहाँ तक हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, ऊपर की बड़ी बड़ी लीग में, वहाँ पर भाई हमको रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा ना 1 करोड़ से ज़्यादा टीम है ना, वहाँ पर अगर आपका एक प्लेयर भी ख़राब निकल जाता ना, जिसने पॉइंट नहीं दिए, तो समझो कि आपकी रैंक लाखों में गई। मान लो आपकी रैंक 10,000 है और आपका कोई प्लेयर उसने पॉइंट नहीं दिए, वो प्लेयर ख़राब गया, वेस्ट गया, तो उसी टाइम आपकी रैंक लाखों में हो जाएगी। और मान लो आपने उस वक्त कोई ऐसा रिस्की प्लेयर लिया है जिसका सिलेक्शन 15 से 20% है, उसने 2 विकेट ले लिए, तो आपकी रैंक कम से कम 50,000-30,000 ऐसी हो जाएगी। तो देखो भाई अगर आपको मोटा पैसा छापना है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये आपको छापनी है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा जीएल में, मेगा जीएल में। अगर आपको मिनी जीएल जीतनी है, 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर लीग जीतनी है, तो आप रिस्क मत लो, आप सेफ खिलाड़ियों के साथ भी जीएल जीत सकते हो। मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, जो सेफ टीम होती ना 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर और मिनी जीएल वाली, उसको मैंने मेगा जीएल जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा टीम होती हैं, वहाँ पर मैंने उस टीम को लगाया। पता है क्या रिजल्ट आया? सिर्फ मेरी एंट्री फीस ही वापस आई, वो भी जब मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे पॉइंट थे। और आपको एक बात और बताऊं, आप कभी भी जीएल जीतोगे ना, तो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन मेगा जीएल में आपका कैप्टन फ्लॉप हो गया ना, तो समझो कि आपकी टीम सिर्फ एंट्री फीस ही वापस ला पाएगी। पहले मैं ड्रीम इलेवन में 11 टीम से खेलता था, अब भी जीएल में 11 टीम से ही खेलता हूँ, और मेरी हर टीम विनिंग जोन में रहती है और मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन भाई जो भाई नए हैं और वो ड्रीम इलेवन खेलना चाहते हैं, उनको बता दूं मैं, आप इन्वेस्टमेंट कम रखो, और सबसे बढ़िया बात है कि आप 2-3 मेंबर खेलो, आपके लिए सबसे अच्छी लीग है। और भाई धीरज भाई ने बात की है कि लक साथ दे तो हम जीएल जीत सकते हैं। भाई ड्रीम इलेवन में लक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद धीरज भाई ने एक और बात कही कि लक हमारा साथ दे तो हम जीएल जीत सकते हैं। धीरज भाई लक किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कुछ भाई कहते हैं कि भाई हमारा तो लक ही ख़राब है, हम हार गए, और किसी के मुँह से आपने सुना होगा भाई मेरा तो लक बहुत अच्छा है, मैं 2 करोड़ की मेगा जीएल जीत गया। धीरज भाई अगर आपको पैसा कमाना है ड्रीम इलेवन में, तो आप खेलो 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर मिनी जीएल, 1000 मेंबर 5000 मेंबर, सिर्फ आप यहाँ तक खेलो, आप आराम से जीत जाओगे। लेकिन आपको मोटा पैसा जीतना है ड्रीम इलेवन में, जीएल जीतनी है करोड़ों वाली, मेगा जीएल में, जीएल में हमें रिस्क लेना पड़ेगा। आपको वो प्लेयर लेने पड़ेंगे जो किसी के पास ना हो, जो प्लेइंग इलेवन में हैं और वो किसी के पास ना हो, जैसे मान लो 15% हैं, 20% हैं, 5% हैं, उनको अपनी टीम में रखो, और आप चाहो तो रिस्क लेकर उस 10% 15% वाले खिलाड़ी को कैप्टन कर दो। अगर वो चल गया ना, तो आपको जीएल जिता देगा। ये नहीं कि आपने किसी ऐसे प्लेयर को कैप्टन कर दिया जिसका बैटिंग ऑर्डर 9 नंबर पर है और उसको एक और मिला, आप कैप्टन वाइस कैप्टन उस प्लेयर को बनाया करो जो नंबर 4 पर खेलता, नंबर 5 पर खेलता है, पूरे 4 ओवर डालता है, और ऐसा कोई बॉलर है जो डेथ में बॉलिंग डालता है। मान लो भाई किसी टीम की पहली बॉलिंग है और आपने उस प्लेयर को कैप्टन कर दिया जो डेथ में बॉलिंग करता हो, डेथ में उसको 2 ओवर मिलेंगे या 4 भी मिल सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो सिर्फ डेथ में बॉलिंग करना पसंद करते हैं, उन्होंने 2 ओवर, मान लो भाई उसने 2 ओवर डेथ में बॉलिंग की, 2 ओवर में उसने 3 विकेट ले लिए और तीनों के तीनों उसने बोल्ड किया, फिर एक उसने LP कर दिया, तो LBW आउट करेगा उसका पॉइंट मिलेगा, बोल्ड करेगा उसका पॉइंट उसको मिलेगा, यानी कि बोनस पॉइंट
फिर 3 विकेट वो ले गया, 1 विकेट वो पावर प्ले में ले गया, उसको 4 विकेट मिल गए, 1-2 कैच पकड़ लेगा और हो सके तो भाई 6 नंबर 7 नंबर पर आकर वो कम से कम 15 से 20 रन बना दे। मैं कहता हूँ कि आपका वो प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला प्लेयर बन जाएगा, फिर आप जीएल आराम से जीत सकते हैं। धीरज भाई अब तो आप समझ गए ना कि हमें क्यों रिस्क लेना ज़रूरी है जीएल में, मेगा जीएल में, ड्रीम इलेवन में। और रही बात लक की, तो किस्मत हमारी अच्छी होनी चाहिए तभी हम जीएल जीतेंगे। तो भाई ये थी आज की हमारी संडे कमेंट बॉक्स वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करना, आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप हमें करो भाई, हम उसका रिप्लाई देंगे वीडियो बनाकर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।